हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह। मेरा नाम तनु सिंह है, मैं कटरा गुलाब सिंह प्रतापगढ़ यूपी से बिलोंग करती हूँ। और मेरी टेस्टिमनी ये है कि मुझे पेट में दर्द हुआ करता था लगभग 4 से 5 सालों से। तो पेट के दर्द की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था, जैसे पढ़ाई नहीं कर पाती थी मैं, महीने भर मैं हॉस्पिटलाइज रहती थी, और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लाइफ में नुकसान हो रहा था। किसी कहीं पे भी रहती थी पेट में दर्द चालू हो जाता था। पढ़ाई के टाइम पे मुझे, कॉलेज जाने के टाइम पे मुझे दवा लेने जाना पड़ता था, हॉस्पिटल जाना पड़ता था, बेड पे रहती थी मैं। तो लगभग 3-4 सालों से मेरी ज़िंदगी में ये चला आ रहा था। और जब डॉक्टर को दिखाया जाता था, चेकअप होता था, इलाज किया जाता था, तब उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत सारी जांचें हुई, बड़ी बड़ी जांचें हुई, बड़े बड़े हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ जब जांच कराया जाता था तब कभी पथरी निकलता था, कभी इन्फेक्शन निकलता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर साल भर ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन जब दोबारा हमने इलाज करवाया, फिर से चेकअप करवाया, एक्सरे करवाया, तो वो सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। मतलब रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था। और फिर जब कहते हैं दवा काम नहीं आती तो हम दुआ में लग जाते हैं, तो दुआ की बात करूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने की, क्योंकि मम्मी पापा इतना परेशान हो जाया करते थे, रात रात भर मुझे हॉस्पिटल में लेके पड़े रहते थे। और जब मेरा वहाँ इलाज चलता था, ग्लूकोज और इतने हार्ड हार्ड इंजेक्शन, तब भी उसे कोई रिलीफ नहीं होता था। तो वो एक तरफ मेरे कान में फ़ोन लगा हुआ होता था, उससे मेरी झाड़ फूँक चल रही होती थी, और एक तरफ डॉक्टर अपना काम कर रहा होता था। तो ये ज़्यादा लाइफ में तकलीफ हुआ करती थी, और इतनी सी कम उम्र में इतनी सारी दिक्कतें। फिर इस बार मुझे वापस ये सारी चीज़ें हुई, फिर से पेन होना स्टार्ट हुआ। 3 साल से हम ये सब झेलते चले आ रहे थे, फिर ये हमारा 4th साल था और इसमें भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर इस बार हम बिल्कुल थक गए थे, परेशान हो गए थे। इस बार भी हमने ये सोचा कि दवा काम नहीं आ रहा, फिर भी दवा करवाया और दुआ में लग गए। सैकड़ों ओझा तांत्रिक होता है कि झाड़ फूँक करवाते हैं मगर दवा से आराम नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें हुई पर उससे बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलता था। मम्मी पापा हर दिन कोई भी बताता था कि यहाँ जाओ, यहाँ ठीक हो जाओगे, वहाँ जाओ वहाँ। तो मैं उसी हालत में बिल्कुल बेहोश रहती थी, मुंह से झाग आता था, सांस बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलती थी। मतलब सभी कहते थे बचने की कोई आशा नहीं है, फिर सब मम्मी पापा पूरी फैमिली इतना ज़्यादा परेशान हुआ करती थी, जो जहाँ बता देता वहाँ लेके जाया करते थे। फिर इसी तरीके से चल रहा था, और एक दिन हमें परमेश्वर का सुसमाचार मिला और हमने प्रेयर ली कॉल के द्वारा। उसके बाद प्रेयर लेने के बाद मुझे चंगाई मिली, मुझे रिलीफ मिला और मेरी आँखें खुली, क्योंकि तब मैं बेहोश थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि आप यीशु आश्रम आओ, यहाँ पे आप ठीक हो जाओगे। फिर दूसरे दिन तक ये हुआ कि अगर झाड़ फूंक से ठीक हो जाती है तो ज़्यादा बढ़िया होता है। फिर झाड़ फूंक करवाया गया, कोई रिलीफ नहीं हुआ। रात में हमें फिजिकल जाना पड़ा, हमने फिजिकल जाके प्रेयर लिया और वहाँ से हमें चंगाई मिली। फिर मम्मी पापा का ये हुआ कि ठीक है, जो भी करना होगा हम कर लेंगे, बिटिया मेरी ठीक हो जानी चाहिए। फिर दूसरे दिन हम आए, वो दिन था 8 जुलाई 2020 का। उस दिन हम यीशु आश्रम आए और यहाँ पे जिस हालत में मैं आई थी, मैं इतनी बुरी कंडीशन थी, कंडीशन मुझे अपनी खुद की याद है कि मैं कैसे यहाँ पे थी, कैसे यहाँ पे आई, मतलब कुछ भी मैंने नहीं देखा। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मैं बिल्कुल बेहोश थी और सांसें मेरी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। पेट में इतना भयानक पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कोई बॉडी से एक एक पार्ट निकाल रहा हो, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और मुझे इतना याद था, मेरी आँखें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खुली थी और सांस बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। और परमेश्वर के दास ने, पापा जी ने सर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा बेटा आप 3 दिन लगातार रहो और आप ठीक हो जाओगे। यीशु के नाम में मैं तुझे सही करता हूँ। कितने माफ, क्या नाम इसका? तनु, इन द नेम ऑफ जीसस। तनु आके खोल, और आज से तो सही हो गई, आज से तेरे विचार, तेरे मन शुद्ध किए जाएंगे और तेरा शरीर चंगा होगा। और एक, दो, 3 दिनों में मिलोगे और ये बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर 3 दिन हम यहाँ पर लगातार आए, दूसरे दिन तक थोड़ा थोड़ा आराम था, तीसरे दिन मेरे लाइफ में इतना बड़ा मिराकल हुआ कि मतलब खुद पे भरोसा नहीं होता। तीसरे दिन मैं अपने हाथ पैर पे चल के खुद आई। और उस दिन से मैं बात करूँ तो पेट दर्द के नाम पे ना तो मैंने कोई कैप्सूल खाई है और ना ही मैंने कोई टैबलेट खाया है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल था और ये मेरी पहली टेस्टिमनी थी। दूसरी टेस्टिमनी मेरी ये है कि आज मैं एक बिज़नेस करती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ और लगातार मुझे 1 साल हो गया बिज़नेस करते हुए।
और बिजनेस में मुझे एक साल में कोई भी सक्सेस नहीं मिली, मतलब लगातार फेलियर मिलते आ रहा था। पर अभी यीशु आश्रम में कमिटेड होकर ईमानदारी से प्रभु के साथ सिर्फ एक से दो महीने ही हुए थे, लेकिन एक साल का रुका हुआ काम मेरा बन गया और मैं प्रमोट हो गई, नए लेवल को मैंने अचीव किया। तो ये मेरे लाइफ का दो सबसे अच्छा टेस्टिमनी था आज तक के पूरे जो भी मेरी लाइफ है, इसमें मैंने कोई भी इतना बड़ा चमत्कार नहीं देखा था। प्रभु ने मुझे इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रभु का धन्यवाद और परमेश्वर के दास का धन्यवाद। हालेलुया, आप सभी को जय मसीह। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।